हम जैसे सुवलदेव वाली पार्टी को कैले हैं ओम प्रकाश राजभर के साथे रहल हैं, तो हम तो चाहब कि ओम प्रकाश जीते हैं, उनका मान सम्मान बढ़े। यार ये आप जीते हैं ओम प्रकाश। नमस्कार, मैं हूँ राजीव कुमार और इस वक्त हम हैं घोसी, जो उपचुनाव चल रहा है और मतदान हो चुके हैं, नतीजा आना बाकी है, लेकिन सिरसिया गांव में हम हैं इस समय, जो घोसी विधानसभा के अंतर्गत आता है और ख़ास तौर पे हम राजभर बस्ती में आए हैं। अब राजभर लोगों का क्या रहा सोच, क्या चर्चाएं चल रही है, हालांकि कल तो नतीजा आना है, उससे पहले नतीजों को लेके आप लोग क्या सोच रहे हैं, क्या बातें हो रही हैं? क्या नाम है? मंगलदेव राजभर। मंगल साहब क्या कहेंगे, क्या चर्चाएं कर रहे हैं? चर्चा दोनों आदमी की हो रही है जी, सपा की और बीजेपी की। अच्छा, हाँ, दोनों लोगों को वोट पड़ा है, आंकड़ा मिल नहीं रहा है। अच्छा, किसकी सीट निकलेगी किसकी नहीं, वोट जो है एकदम खजमेजड़ा पड़ा है, हर समाज हर जात का हर लोगों को, दोनों लोगों को पड़ा है। अच्छा, इसलिए हम लोग आंकड़ा लगा नहीं पाते हैं। अब कल अकाउंटिंग के बाद ही कुछ पता चलेगा। हम कल आपसे भी, कल भी बात करने आएंगे, लेकिन आज हम ये चाह रहे हैं कि जो ओम प्रकाश राजभर जी का भी फैक्टर था वो कितना चला, उस पर क्या चर्चा चल रही है? ओम प्रकाश राजभर कुछ परसेंटेज में वोट कराए हैं, दिलवाए हैं, अधिक वोट दिलवाए हैं राजभरों का। हाँ, दिलवाए हैं, अच्छा वोट दिलवाए हैं। हाँ, तो क्या लग रहा है, क्या चर्चा है, कौन जीत रहा है, कौन आ रहा है, क्या ज़्यादातर किसका एज दे रहे हैं? हम लोग अंदाज नहीं लगा पा रहे हैं। हाँ, अन्य वोटों का भी, अपने वोटों का अंदाज नहीं लगा पा रहे हैं, हम कितना दिए हैं और अन्य लोगों कितना वोट दिए हैं, कुछ आंकड़ा नहीं मिल रहा है। तो क्या नाम है आपका? पारसनाथ राजभर। पारस साहब, आप क्या कहें, क्या चर्चा चलत है मंदिर पर बैठ के? अब मंदिर पर बैठ के चर्चा का चलत है? अब अरे वोट हो गई, लोट हो गई, खत्म हो गई, बीएनए काउंटिंग हुई, बीएनए करने अब दिखाई कि जीता नहीं को लेके आज का सोचत वा लोगों की। अब हमन के पास वोट देवे के दिया गई, सोचे के कौन चीज़ है, केहू जीते केहू हारे, दो जाना हम दोनों जाना में केहू जीती बाहरी। हाँ, तो वह पूछल चाहते हैं कि जैसे आप लोगों में का बात होती है कि के हारी के जीती? हम तो चाहब कि दारा चौहान जीते। हाँ, हम जैसे सुवलदेव वाली पार्टी को कैले हैं ओम प्रकाश राजभर के साथे रहल हैं, तो हम तो चाहब कि ओम प्रकाश जीते, हम उनका मान सम्मान बढ़े। भर लोगों में भी, राजभर लोगों में भी नाराजगी देखे? कोई नाराजगी नहीं है यहाँ, नहीं। अच्छा, हाँ, नाराजगी कोई नहीं है, ये सब चर्चा ना होती ना ही, नाराजगी नाम की कोई चीज़ नहीं है। हाँ, चलिए कुछ लोग और हैं बात कर रहे हैं कि चाचा वोट तो दहले रहा ना। हाँ, का नाम है? भगेली राजभर। राजभर साहब, का सोच के वोट दहले रहा, का चर्चा है वोट दहले के बाद? क्या चर्चा करेंगे हम लोग, जो जो पार्टी को समझा उसको वोट दिया, अब जीते जीते चाहे हारे और क्या कर लिए, आप ही को जाने तो आप ही को वोट दिए, और आगे की बात तो हम लोग नहीं जानता है। पहले जो चुनाव भर लो उनमें तो अब रहे ना कह ली। अच्छा, हम बाहर रह रहे, तो ये राजभर बस्ती है, राजभर बस्ती। हाँ, ये पूरा राजभर बस्ती है। लोग का उम्मीद रख ले रहना, का सोच के वोट गए? उम्मीद तो अपने पार्टी को लेकर के, ओम प्रकाश के लेकर के, सबको जागृत किए, तो हम लोग तो वही सोचता था कि वही जीते। अच्छा, तब का नाम है? श्रीनाथ। अच्छा, वोट दे ले रहे नहीं? हाँ, तो चाचा अब तो वोट कई बार आप दे चुकल हैं। हाँ, आपकी वोट का क्या चर्चा है? यार ये आपकी जीते हैं ओम प्रकाश। ओम प्रकाश। हाँ, अच्छा। हाँ, तो वोट देवे कैसे गए लला? वोट यही से अपन रास्ता से। तो और जो युवा हमें, जो नए नए वोटर बनल हुए, उन्होंने लोगों के भी कुछ समझौला बोलूला का समझाए ले? हाँ, समझाने का कोई सवाल? हाँ, कोई सवाल ना रहे। अच्छा, हाँ, चलिए बहुत बढ़िया। आप भी बताओ जा कि वोट दे हो गए नहीं? हाँ सर। क्या नाम है? मोदी राजभर। मोदी जी और राजभर।
का चर्चा हो? चर्चा का जो राजभर की चर्चा है और कुछ नहीं, राजभर की चर्चा। हाँ, देखिए कौन जीतता है। संशय है का? हाँ, संशय भी है ना? ही संशय किया, जब गणाएगा तब ना उसके बाद में पता चलेगा संशय है कि क्या है। तो पहले कुछ चर्चा ना होती है ना, आंकड़ा लगा ना लगाओ थोड़ा ना, तेरे गांव में कितना वोट कितने ये ना आंकड़ा लगाओ ना साहब, ये क्या है, कोई नहीं लगा सकता इसको। अच्छा, कौन के हर जा भागेगा के हर जाएगा? लोग बटे थे। हाँ है? हाँ, कोई इधर जा रहा था, कोई उधर जा रहा। हाँ, तो क्या आंकड़ा कोई लगाएगा? ये तो कह रहे थे कि पूरा गांव जो है राजभर वो दिया है, तो फिर भी उसमें कोई तुम बैठ कर लगाया नहीं ना है, हाथ से धके के वो कहले कल तोरे मन माफिक नतीजा आई। हाँ जी, देखिए कल क्या होता है। तो गांव के लोगों से ही हम बात करने आए थे, और गांव के लोगों ने मिला जुला अपना बताया भी कि इस चुनाव को कैसे उन लोगों ने अब की बार अपनी सहभागिता रखी और किस तरीके से वोट लोगों ने दिया। हालांकि अपने वोटों का गुप्त मतदान हो रहा है उसको भी ये लोगों ने कहा, पत्ता तो कल खुलना है, मतदान हो चुका है। और इन्हीं नब्ज़ को हम जानने के लिए आए थे कि एक दिन पहले क्या चर्चाएं हैं, किस तरीके के लोग कयास लगाए हैं और क्या उम्मीदें रखे हैं। तो इन्हीं सबों को बातों को हम आप तक भी पहुँचा रहे हैं। राजीव कुमार घोसी, यूपी तक।